ये एग्जामिनेशन पेपर है एल एल बी थ्री ईयर फैमिली लॉ का सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि वॉट आर कोपार्सनर्स और कोपार्सनर्स के राइट right बताने थे उसके बाद बताना था क्या डॉटर्स को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में राइट right मिलता है या नहीं क्वेश्चन नंबर टू था वॉट इज़ अ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एंड हाउ डज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती है जो हमें लीनियन डिसेंडेंट से मिलती है और उसके बाद ही ये कैसे डिफरेंट है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं ये बताना था और कैन सन क्लेम हिज फादर इन बोथ द प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस द पोजिशन ऑफ द कर्ता ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली एंड इट्स राइट एंड ड्यूटीज़ कर्ता के कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ और पावर्स बताने थे क्या फीमेल अपॉइंट हो सकती हैं एज अ कर्ता ये भी बताना था क्वेश्चन नंबर फोर जो आया था डिफ़ाइन पार्टीशन पार्टीशन को एक्सप्लेन करना था डिफरेंट मोड्स ऑफ पार्टीशन बताना था क्या री री ओपनिंग ऑफ पार्टीशन पॉसिबल है या नहीं क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने थे दो टॉपिक पे पहला था डिसकॉलीफाइड आयर्स अंडर हिंदू सक्सेसन एक्ट दूसरा लिस्ट ऑफ आयर्स इन क्लास सेकेंड ऑफ शेड्यूल अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन जो आया था डिफ़ाइन विल विल को डिफ़ाइन करना था इसके एसेंशियल कंडीशन बताने थे और वेरियस रिस्ट्रिक्शंस जो विल पे लगते हैं वो बताने थे क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस रिवोकेशन ऑफ हिबा सबसे पहले तो हिबा एक्सप्लेन करना था फिर रिवोकेशन ऑफ हिबा बताना था दो तरह की हिबा होती हैं उनको भी एक्सप्लेन करना था विथ केस लॉस क्वेश्चन नंबर नाइन शॉर्ट नोट लिखना था जो डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल और रेड होता है उस पर मुस्लिम लॉ का टॉपिक था ये क्वेश्चन नंबर टेन कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने थे दो टॉपिक्स पे कोशेयर पे और ओनर ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टीज़ पे तो ये क्वेश्चन नंबर टेन जो था टॉपिक प्रियमशन से आया था जो एल एल बी थ्री ईयर का एग्जामिनेशन पेपर है फैमिली लॉ का